मुंबई की सड़कों से हटाए जाएंगे फेरी वाले, बीएमसी हुई सख्त। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त बनाने का दिया निर्देश। आदित्य ठाकरे के काफिले पर देर रात हुआ हमला, किया गया पथराव, रोका गया काफिला, बाल बाल बचे आदित्य। औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे के काफिले पर पथराव पर आदित्य का बयान, आदित्य ने कहा हमले के पीछे गद्दार गुट का हाथ। आदित्य ठाकरे के काफिले पर हमले के बाद उद्धव ठाकरे आक्रामक, मातोश्री पर बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदित्य ठाकरे के काफिले पर हमला दुखदायक, भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो इसलिए सरकार उठाए कदम, संजय राउत की प्रतिक्रिया। आज और कल सुबह 9 बजे तक मुंबई के गोवंडी और चेंबूर जैसे इलाकों में नहीं आएगा पानी, बीएमसी करेगी मरम्मत कार्य। मुंबई लोकल ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, महिला यात्रियों ने कराई सेफ डिलीवरी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कल वर्ली में हुआ पचका, सभा के बीच में से लोग उठकर चले गए, संजय राउत ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना। जिनको बाला साहेब ठाकरे ने दूर रखा उनके साथ मिलकर सरकार बनाई, एकनाथ शिंदे का वर्ली से उद्धव ठाकरे पर हमला। एकनाथ शिंदे ने कहा बारिश में मुंबई की सड़कें पानी पानी हो जाती है, गड्ढों से मुंबईकर परेशान हो गए हैं, बीएमसी चुनाव में जवाब देंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की हुई शादी, शादी में के बॉलीवुड के तमाम दिग्गज के साथ पहुंचा अंबानी परिवार। अंबादास दानवे ने पुलिस महासंचालक को लिखा पत्र, आदित्य ठाकरे के काफिले पर जानबूझकर करवाया गया पथराव, दानवे का आरोप। मुंबई के वेस्ट दुग्धाती हाईवे पर रिक्शे में सफर कर रहे एक यात्री से दिन दहाड़े 22 लाख की लूट, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया गिरफ्तार। बीएमसी चुनाव में ठाकरे गुट को मात देने के लिए शिंदे का मास्टर स्ट्रोक, निहार ठाकरे को आदित्य के वर्ली से चुनाव लड़वाने की तैयारी। गोरेगांव में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, नाबालिग सहित दो युवतियों को बचाया गया, दलाल गिरफ्तार। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी का किया ऐलान, होम लोन की ईएमआई में होगा इजाफा। महाराष्ट्र में एक बार फिर शुरू हो सकता है कैसीनो, मनसे ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर की मांग। मुंबई के पहले फ्लोटिंग होटल की अनुमति पर स्टैंड स्पष्ट करे सरकार, हाईकोर्ट का मुंबई नगर निगम को निर्देश। जीतना कठिन बना देंगे चुनावी चुनौती के बाद एकनाथ शिंदे को आदित्य ठाकरे का जवाब। रैपिडो को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में सर्विस पर लगाई थी रोक। महाराष्ट्र हुई शर्मसार, स्कूल हेडमास्टर ने किया 29 साल की महिला के साथ रेप। औरंगाबाद में महिला ने अपने दो बच्चों का गला घोंटकर कर दी हत्या, हुई अरेस्ट। नई मुंबई को मिलने वाला है खास तोहफा, पूरे शहर में बनेंगे 56 स्मार्ट पार्किंग। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी, सोना 57,550 रुपए तोला, वही चांदी 71,300 रुपए किलो। महाराष्ट्र पहुंची हिलेरी क्लिंटन, औरंगाबाद में एलोरा की गुफा, भुवनेश्वर मंदिर के करेंगी दर्शन।